चलिए शुरू करते हैं आज का डेटा इंटरप्रिटेशन। मैंने फिर से बताता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसको शॉर्ट में हम डीआई बोलते हैं। होता क्या, आपको कोई ना कोई डेटा दिया गया होगा ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे बार ग्राफ दे दिया आपको, जैसे कंपेयर करवा देगा कि भाई ये कंपेरिजन कर रहा है आपका कि ये एक चीज है और ये एक चीज है। ठीक है, ऐसे कंपेयर करवा देगा कि भाई ये मान लो ए की कोई चीज है, ये बी की कोई चीज है, कि मान लो 2000 में ऐसा था और 2001 जब साल आता है तो ए के बारे में ये ग्रोथ होता है, बी का ये ग्रोथ होता है, तो उनसे कुछ कंपेयर करा लेगा, खुद क्वेश्चन पूछ लेगा न्यूमेरिकल। एवोल्यूशन ऑफ डेटा क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ डेटा में मान लो कि यहाँ ए बी सी डी, ठीक है, इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देगा एक्स वाई जेड की, भाई उसके पास एक्स इतना था, पांच था, इसके पास दो था, इसके पास तीन था, ठीक है, ऐसे, या फिर ऐसे बोल सकता है कि 2000 में, 2001 में, 2002 में, ऐसे कुछ सामान की कुछ कुछ वैल्यू दे देगा आपको और इनके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा अभी डिस्कस करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट में बहुत सारी चीज देता है आपको, कभी कभी सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन दे देगा पाई चार्ट में, कभी कभी सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन देता है पाई चार्ट में कि पाई चार्ट होता क्या है, कभी कभी सीधी इन्फॉर्मेशन देता है पाई चार्ट में। तो जनरली जो सबसे ज्यादा चीज दी जाती है पाई चार्ट में, वो दी जाती है आपकी परसेंटेज। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है, कभी उनको कलर कर देता है और यहाँ पे परसेंटेज दे देगा। जैसे ऐसे लिख दिया 21, ऊपर लिख देगा परसेंटेज की बात कर रहा है, 21, 5, 9, ठीक है, 28। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इसका डेटा देता नहीं है कि भाई इसका परसेंटेज दी नहीं है, तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि 21 होगा, ये 5 होगा, ये 9 होगा, 21, 5, 26 और 9, 35, 35 और 28, तुम जब इसको ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 13 और ये निकल के आएगा तुम्हारा 63। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्वियस तुम दिमाग लगा के निकाल सकते हो कि बचा हुआ सर आंसर आपका 37 हो जाएगा, 37% होगा। तो इस तरह से कभी डेटा मशीन कर देता है आपका, ठीक है, ये वाली बात है। तो याद रखना हमेशा कि परसेंटेज में दे चाहे ना दे, आपका पाई चार्ट में जो नंबर दिया गया ना, आप उसको एक सिंपल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि सबका सम क्या आने वाला होगा, सबका सम हमेशा 100% आता है। तो पाई चार्ट में तुम्हें परसेंटेज दिया हो चाहे ना दिया हो, तुम हमेशा इनको एक ऐसा नंबर 21, 5, 9, 28 और 37% की तरह ट्रीट कर सकते हो। खैर आगे जब क्वेश्चन आएगा इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे पाई चार्ट पे, तो और चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अब बात करते हैं, कभी कभी डेटा आपको और भी तरीके देता है, कभी कभी आपको ग्राफ देता है, पर इस ग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर बहुत कम पूछे गए हैं ग्राफ के क्वेश्चन, तो हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएगा तो गेट में सवाल आए हैं। अभी मैं आपको 3 से 4 सवाल कराने वाला हूँ। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, आज की क्लास छोटी क्लास होगी, ठीक है, तो उसमें ये मत समझे कि भाई बहुत सारी चीजें करा दूंगा, लेकिन ये मान के रखिए गेट में इससे सवाल आए हैं, ठीक है, गेट में यहाँ से ठीक ठाक सवाल आए हैं, तो आपसे ये एक छोटी सी गुजारिश होगी कि प्लीज आज की क्लास के बाद जाके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लें, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लें, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन आए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन, सब तरह क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ पे उनको लगाएं। और कोई भी डाउट हो अगर, तो आपको मेरा नंबर पता ही है, ठीक है, मेरा नंबर है 9643079792, तो आप उस पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको गेट के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल से अगर आप बिलोंग करते हो तो और अच्छी बात है। मैकेनिकल से आपको क्या है कि भाई मैं मैकेनिकल का गेट का भी टीचर हूँ, तो आप मैकेनिकल के किसी भी सब्जेक्ट का डाउट है आपको या आपके दोस्तों किसी को डाउट है तो मुझे पिंग कर सकते हैं इस नंबर पर। बाकी तो ये वीडियो आपकी हमारे जो चैनल है शिक्षार्थ इंडिया पे, इस पे आ ही जाती है कि मान लीजिए आपकी आपकी कोई भी अगर वीडियो छूट गई हो, कोई क्लास छूट गई, तो वहाँ पे सारी सारी क्लास अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब काम करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, फालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फिर से बता दूं कि कोई क्वेश्चन में मैं आपको कोई नई चीज नहीं सिखाने वाला, कि आपको सोचो कि बहुत कोई नई चीज आने वाली है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस डेटा को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है और इसके हिसाब से क्वेश्चन करना जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने टेबुलेशन मॉडल पे, भाई मान लो आपके पास में टेबल दे रखी है इस तरह से और आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा यहाँ पे, तो आपके सामने टेबल दे रखी है, इस टेबल में क्या दे रखा है आपको, इस टेबल में दे रखा है आपको कैटेगरी और अमाउंट, मतलब कुछ कैटेगरीज हैं फूड की, क्लोथिंग की, रेंट की, सेविंग्स की, अदर्स की। फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ था टेबल रिप्रेजेंट्स द मंथली बजट ऑफ एन एवरेज हाउसहोल्ड, फाइंड द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट नॉट स्पेंट ऑन द सेविंग्स, मतलब आपको वो परसेंटेज निकालना है जो कि उसने सेविंग्स पे खर्च नहीं किया है। तो आप एक बार ट्राई करो उस क्वेश्चन को करने की, फिर मैं आपको करवाऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार ट्राई करो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखते हैं, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में आपका, भाई मुझे क्या दे रखा है, द टेबल रिप्रेजेंट मंथली बजट ऑफ एन एवरेज हाउसहोल्ड, फाइंड द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट नॉट स्पेंट ऑन सेविंग्स।
ये टोटल आपको अलग अलग खर्चा दे रखे हैं, सारे अलग अलग खर्चे, इन सब पे हमें खर्चे होते हैं। तो पहली बात तो मुझसे बोला गया कि वो खर्चा निकाल लो जो कि उसका उसने आपका सेविंग नहीं किए। तो पहले तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए आपको टोटल पता होना चाहिए, तो टोटल कितनी सैलरी है उसकी यहाँ से पता लगेगी, सबको ऐड कर दो। तो सबको ऐड कर दो तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा। सबको ऐड करने के बाद आप ऐड करोगे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फिर जीरो, यहाँ पे फिर आपका तीन बार पांच आ गया, यहाँ पे ये पांच आ गया, और फिर आपको जोड़ोगे तो एक दो तीन पाँच छः, और ये आपका हो गया, यहाँ से निकल के आएगा आपका 10500। ठीक है, 10500 का 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक कैरी होगा 10, हाँ ठीक है 10500। ये आपकी टोटल सैलरी निकल के आ गई। अब टोटल सैलरी यहाँ से ये निकल के आ गई, अब बोला है कि बताइए कितना परसेंटेज ऑफ द सैलरी है जो कि उसने सेविंग्स पे खर्च नहीं किया। तो सेविंग्स पे खर्च कितना किया है, तो हम निकालते हैं परसेंटेज, हम निकालते हैं परसेंटेज, परसेंटेज स्पेंट ऑन सेविंग्स, परसेंटेज स्पेंट ऑन सेविंग्स, तो वो कितना हो जाएगा सर, सेविंग कितने की है, सेविंग 1500 की है, 1500 डिवाइडेड बाय आपका 10500 इनटू 100% निकालेंगे तो यहाँ से जीरो जीरो गया, ठीक है, और आपका 5 3 15 और 5 21, ठीक है, तो ये आपका आ गया 300/21 परसेंटेज आ गया, ये उसने खर्च किया है आपका सेविंग्स पे, या उसने खर्च किया आपका सेविंग्स पे। और काट सकते हैं, आप काट सकते हैं 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100/7 परसेंटेज हो जाएगा आपका, तो इतना परसेंटेज उसने खर्च किया है। तो कितना खर्च नहीं किया, परसेंटेज नॉट स्पेंट ऑन सेविंग्स, नॉट स्पेंट ऑन सेविंग्स, तो सिंपल सी बात है 100 में से इसको माइनस कर दो, तो 100 - 700/7, ये परसेंटेज उसने खर्च नहीं किया होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 600/7 परसेंटेज। अगर इसको पॉइंटों में निकालना चाहते हो 7, 8 या 56, 85, 5.7 कुछ परसेंटेज निकल के आ जाएगा। आपको आंसर याद रखना, अगर आंसर लिखा आएगा तो जनरली आंसर आपका परसेंटेज में वहाँ देखने को मिलता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मैं लिख आता हूँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको सबसे पहले ये जो साइड में क्वेश्चन दिया होता है ना इसको पढ़ा करो, साइड में जो क्वेश्चन दिया गया था इसको पढ़ा करो। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इन अ सर्वे 300 रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट्स मतलब जिसने रिस्पॉन्ड किया है, रेस्पोंडेंट्स वर आस्क्ड वेदर दे ओन व्हीकल और नॉट, इफ दे से यस दे वर फर्दर आस्क्ड वेदर इट्स स्कूटर कार और बोथ, लुकिंग एट द टेबल फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ स्कूटर। सवाल इस तरह से है कि भाई आपके पास में दो तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग जो आपके व्हीकल ओन करते हैं, एक तरह के लोग ऐसे लोग हैं जो जिनके पास व्हीकल होता है, ठीक है, अगर उनके पास व्हीकल होता है तो पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि उनके पास कार है या स्कूटर है या दोनों है, कार है या स्कूटर है या दोनों है। और दूसरे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई उनके पास में कोई व्हीकल नहीं है, तो उनसे थोड़ा पूछेंगे कार स्कूटर का कुछ है। सवाल ये पूछा गया कि बताओ कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है, स्कूटर नहीं है, ठीक है, तो वो यही बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ लोग निकालना पड़ेगा। तो आप एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर अपन फिर मैं करता हूँ आपके साथ में, थोड़ा ट्राई करो। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, पूछा गया कि कितने लोगों के पास में व्हीकल स्कूटर नहीं है, स्कूटर नहीं है बात पूछा गया। तो पहली बात कितने टोटल लोग कितने, 300। तो पहले ये बात निकाल लेते हैं कि परसेंटेज पीपल, पीपल हैविंग स्कूटर, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास स्कूटर है, ठीक है। तो देखो मैन हो चाहे वुमेन हो, पीपल के बारे में बात कर रहा है ना, पीपल, पीपल में मैन और वुमेन दोनों आते हैं, तो इनके पास स्कूटर है, इसके पास भी स्कूटर है, ये बोथ, अरे जो बोथ है जिनके पास कार और स्कूटर दोनों हैं उनके पास भी तो स्कूटर होगा ही ना, तो इसके पास भी स्कूटर है, इनके पास भी स्कूटर है, तो टोटल स्कूटर कितने लोगों के पास में, तो टोटल स्कूटर आपका 30+20 यानी 50, आपका 30, 50, 60 और 40 यानी आपका 100 यानी 106, यहाँ 106 और वहां पे आपका 50, 106+50 यानी आपका 156 लोगों के पास में स्कूटर है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गया 156/300 100% लोगों, इतने लोगों के पास में आपका स्कूटर है, इतने लोगों के पास में क्या है आपका स्कूटर है, तो इसे जब काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3, 5, 15, 3, 2, 6, तो यहाँ से 52% लोगों के पास में स्कूटर है। तो आंसर क्या पूछा है कि भाई कितने लोगों के पास नहीं है, तो परसेंटेज पीपल नॉट हैविंग स्कूटर, परसेंटेज पीपल नॉट हैविंग स्कूटर, तो सिंपल सा क्या जवाब हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दो 52 को, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 48%, यानी 48% लोगों के पास में स्कूटर नहीं है। ये सवाल आया था गेट में, मतलब दोनों सवाल गेट के आए हुए, पर ये सवाल रिसेंटली ही गेट में आया था आपके, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके रखे हैं पहले से आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बार ग्राफ मॉडल पे, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कई तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका वो है डेटा की कमी, मैंने कुछ दिया नहीं है। ये जो खाली डब्बे बने हैं ये आपके डब्बे रिप्रेजेंट करते हैं मैन को, और जो आपके ये शेडेड डब्बे बने हैं ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं वेमेन को, ठीक। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सबसे पहले आप डेटा को देख लिया, डेटा को देखे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपका 35.80 ये या तो यहाँ पे मैं दे रखा होगा अलग से, या नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर क्यों लिखते हैं। हमेशा इस सवालों में आपको एक्स और वाई देखना होता है, हमेशा इन सवालों में जो सबसे पहला काम है वो आपको ये देखना होगा कि आपको यहाँ एक्स और वाई पे क्या दे रखा है। तो वाई पे आपको क्या दे रखा है, वाई पे आपको देख रहा है एवरेज डेली इनकम, मतलब आपके ये डब्बा खाली डब्बा मैन और भरा हुआ डब्बा बोल रहा है, मैन और वेमेन की आपको क्या दे रखी है, मैन और वेमेन की आपको दे रखी है एवरेज डेली इनकम या सैलरी या अर्निंग दे रखी है। और ये बता रखा है कि हाँ भाई जो मैं जैसे एग्जांपल के 2000 के में सन 2000 में आपका मैन की जो डेली इनकम थी वो 35.80 थी रुपए में, और आपका जो वेमेन थी उसकी 18.30 थी। ऐसे ही प्रोग्रेस करते हुए दिखा रहा है कि हर साल कैसे कैसे बढ़ती जा रही है वो। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ एवरेज डेली अर्निंग। ये क्वेश्चन बार ग्राफ वाले मॉडल के क्वेश्चन अच्छे होते हैं याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ एवरेज डेली अर्निंग्स ऑफ मैन एंड वेमेन इज द हाईएस्ट। कि भाई बोल रहा है कि कौन से साल में जो रेशियो था एवरेज डेली अर्निंग्स का वो मैन और वुमेन के जो रेशियो है उसमें सबसे हाईएस्ट पाया जाता है। तो इसमें ये मत करना कि पता लगा तुम सबका निकालने बैठ गए, 2000 का भी निकाल लो, 2001 का भी निकाल लो, 2 का भी निकाल लो, 3 का भी निकाल लो, 4 का निकाल लो, ऐसा मत करना। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उन्हीं के साथ चलो बस, लेकिन सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं हाईएस्ट पूछा है मतलब सबके रेशियो निकालो और आंसर निकालो। तो बोला गया 2000 में क्या है कि 2000 में मैन और वुमेन का रेशियो क्या है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 2000 में क्या है 35.8 और 18.3, यहाँ पे 35.8 और 18.3। इस बार आप याद रखना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेट में कैलकुलेटर देता है, बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो सारे के सारे आंसर निकल के आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज निकल के आने वाले हैं। तो जब कैलकुलेटर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप लोग 35.8 / 18.3 करते हो तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, इसका आंसर निकल के आएगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके रखना, इसका आंसर निकल के आएगा 1.956। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी कि भाई मान लो 2001 में, तो 2001 वाला साल कौन सा ये रहा, इसमें मैन की कितनी है 40.9 और इसकी वुमेन की कितनी 20.1, तो 40.9/20.1। तो देखो देख नहीं रहा कितना, ये भी 2 के पास था और ये भी 2 के पास है, तो इसलिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.938, ये वैल्यू निकल के आती है आपकी 1.938, ठीक है। अब 2002 में पूछा है, 2002 में मैन की कितनी है, उसमें 48.6 है, उसमें 27 है, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो 48.6/27, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू तो आपकी निकल के आने वाली है 1.8 कैलकुलेटर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट पूछा इसमें 2004 में, तो 2002 में वो निकला ही, 2003 में नहीं पूछा, वरना आप फालतू टाइम वेस्ट करते 2003 में निकल के, 2004 में, 2004 में क्या 66.9/40.6, ठीक है। तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करते हो उसका आंसर निकल के आता है 1.9 से 8 से तो कम ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर नीचे 1.647 आता है आंसर। बस ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आप आंसर नहीं निकाल सकते। जब ये चीज आप करोगे तो आपका आंसर मैक्सिमम कौन सा दिखेगा, सर 956, 938 और 1.8, और ये तो नहीं है, साफ सी बात है 1.8 भी नहीं है, इन दोनों में कॉम्पिटिशन है, इन दोनों में कौन बड़ा है आपका, ये वाला पार्ट बड़ा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हैं पहले भी और आगे भी आते रहेंगे, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा बिना हड़बड़ी के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना और आंसर निकालना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पैराग्राफ में आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी-कभी दो क्वेश्चन, कभी-कभी एक ही क्वेश्चन आता है, पर हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज, ध्यान देना शब्द इंक्रीज, इन द एवरेज डेली इनकम ऑफ मैन ओवर द प्रेसिडिंग ईयर, प्रेसिडिंग मतलब उससे पिछले साल, ठीक है, इज मैक्सिमम, किसमें आपका पिछले साल के तुलना में आपका ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, लेकिन किसकी बात कर रहा है, सिर्फ मैन की बात कर रहा है, वेमेन की बात नहीं कर रहा है। तो 2001 अगर बोल रहा है, इसका मतलब वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि 2001 में जो परसेंटेज जो उसकी इनकम थी 2001 से वो कितनी ज्यादा है परसेंटेज में, तो इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको।
इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो किस तरह की कैलकुलेशन करेंगे करेंगे ये देखो, इसमें ठीक ठाक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। चलिए मैं करता हूँ कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। 2001 बोले पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो आप बोलोगे रेफरेंस कौन होगा, इसके लिए रेफरेंस है 2000 को रेफरेंस लेके चलना है। तो यहाँ पे 2001 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.9 माइनस 35.8 डिवाइडेड बाय, रेफरेंस को नीचे रखते हैं 35.8, ये हो जाएगा इसका। 2002 की बात करते हैं तो इसके लिए पिछला साल कौन सा होगा, 2001 होगा। 2002 में कितनी 48.6 और यहाँ पे कितनी 40.90, यहाँ पे क्या करोगे आप 48.6 माइनस 40.9 और रेफरेंस कौन हो जाएगा 2001, 2001 का रेफरेंस से 40.9 ये रखोगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका आंसर 2003 के लिए रेफरेंस कौन होगा 2002, 2003 में कितनी है आपकी, 2003 में है आपकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आता है 59.5, 2003 में है आपकी 59.5 माइनस अगर आप बात करते हो पिछले साल की तो वो है आपकी 48.6, रेफरेंस नीचे रखते हैं तो वो आ गया 48.6। दो अच्छा देखो अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, जब कैलकुलेटर मिल रहा है तो आपसे कैलकुलेशन करवा भी सकता है। गेट का क्वेश्चन है आ चुका है पहले, कोई नया क्वेश्चन नहीं है अलग से मैं कहीं लेकिन आया। 2004 में इसके लिए पिछला साल कौन सा होगा 2003 रेफरेंस साल के हिसाब से, तो यहाँ पे इस साल कितनी, इस साल कितनी है आपकी सैलरी के हिसाब से अगर हम बात करें, इस साल की सैलरी है आपकी, एक बार मैं ऊपर दिखाता हूँ डायग्राम अगर ना दिख रहा हो तो, ठीक है इस साल की सैलरी आपकी 66.90, 66.9 मतलब आपका 66.9 माइनस पिछले साल की सैलरी कितनी है 59.5 डिवाइडेड बाय 59.5, ठीक है। परसेंटेज को आगे 100 समय मल्टीप्लाई करना हो आपको तो कंपैरिजन करना है, तो परसेंटेज लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है। इन सब की वैल्यू को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, इन सब की वैल्यू को आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे, जब कैलकुलेटर से इन सबका आंसर निकालते हो तो प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, तुक्का नहीं मार सकते, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आप इसी क्वेश्चन ऐसे करते आओगे 1.1424 करना पड़ेगा यहाँ पे, इसकी जब वैल्यू निकालोगे, इसकी जब वैल्यू निकालते हो तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.1882 निकल के आती है, इसका आंसर निकल के आता है आपका, इसका आंसर निकल के आता है 0.2242 निकल के आता है। लगभग 3-4 डेसिमल तक आंसर निकालना, कोई भरोसा नहीं कौन सा आंसर मैच कर जाए 2-3 डिग्री तक, तो 1.2 1243 मान लो इतना आपने सॉल्व कर लिया, तो इस तरह की वैल्यू आती है। सवाल ये पूछा गया है कि किसमें मैक्सिमम है, तो 1.1424.18 नहीं, मैक्सिमम वो तो नहीं रहा उसको हटा देंगे, 0.242 और बड़ा हो गया 1.2, सबसे बड़ा क्या आ रहा है आपका, सबसे बड़ा ये निकल के आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी सी। तो इस तरह से आपसे अच्छी खासी कैलकुलेशन करवाएगा, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन से घबराओगे तो क्वेश्चन नहीं करके आ पाओगे, इसलिए क्वेश्चन आपको करके आना किसी भी हालत में सही का सही, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, तो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं पाई चार्ट मॉडल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पाई चार्ट मॉडल पे। पाई चार्ट मॉडल पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से एक पाई चार्ट बना के दे रखा है आपको, पाई चार्ट बना के दे रखा है इस तरह से आपको, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कुछ डेटा यहाँ पे दे रखा है टेबल में, तो पाई चार्ट का यूज करना है और टेबल के डेटा का भी आपको यूज करना है यहाँ पे। अगर देखना चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को इफ द पॉपुलेशन ऑफ एक्स बीपीएल, बीपीएल क्या है, बीपीएल का मतलब है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा है आपसे, ठीक है। बोलता है कि इफ पॉपुलेशन ऑफ एक्स बीपीएल इज 12160, मतलब बोलता है कि एक्स की जो बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन है, ये परसेंटेज दे रखा है, ये पॉपुलेशन नहीं है परसेंटेज है, वो आपकी 12160 दे रखी है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ एस, एस की पॉपुलेशन क्या होगी। तो इस तरह के सवाल बहुत अच्छे हैं, अगला सवाल भी इस तरह ही होगा कि एक का डेटा दे रखा होगा और दूसरे का डेटा पूछ रहा होगा, तो समझो ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ द पॉपुलेशन ऑफ एक्स इज ऑफ बीपीएल इज 12160, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ एस, सुनो सवाल क्या है, इसमें आपको पाई चार्ट में क्या दे रखा है, पॉपुलेशन परसेंटेज दे रखा है 15, 11, 16, 11, 21, 10, 16, ये सब डेटा दे रखा है, क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का दे रखा है, ये आपका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो बिलो बीपीएल नहीं दे रखा, अगर आप ये सोच के चलो बिलो पॉवर्टी लाइन है, नहीं नहीं ये तो मैं दे रखा है कि भाई टोटल पॉपुलेशन की आपको परसेंटेज दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन का एक्स में वाई, मतलब अगर 100 लोग हैं टोटल, एक्स में 16 रहते हैं, वाई में 15, जेड में 11, आर में 16, एस में 11, टी में 21 और वी में आपका 10% लोग रहते हैं, अगर 100 लोग होते हैं, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि एक्स की टोटल पॉपुलेशन के 38% क्या है आपके बीपीएल में, इसका मतलब क्या है, एक्स की टोटल पॉपुलेशन के 38% लोग क्या है आपके बीपीएल है, मतलब इस सवाल को अगर हम करना चाहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स की जो टोटल पॉपुलेशन है, एक्स की जो पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है, वो है लगभग मान लो एक्स ही मान लो,
एक्स की जो टोटल पॉपुलेशन है वो एक्स मान लो, और क्या बोल रखा है कि उसका जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं आपके, वो आपके हैं आपके, वो आपके हैं 12160, वो कितने आपके 12160। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि सर देखिए मुझे ये देखता है कि एक्स की टोटल पॉपुलेशन की 38% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब एक्स का 38% यानी 38/100 इंटू एक्स, ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 12160, ये दे रखा है आपको 12160, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आप क्या 12160 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 38, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया आपकी एक्स की टोटल परसेंटेज निकल के आएगी, एक्स के टोटल पॉपुलेशन निकल के आई है। पर हमसे सवाल में ये थोड़ा पूछा, हमने सवाल पूछा बताओ टोटल पॉपुलेशन एस की क्या होगी, तो हम लौट के आते हैं कि एस यहाँ पर है। मैंने बोला कि सर देखिए टोटल पॉपुलेशन का 16% हिस्सा कहाँ रहता है, एक्स में रहता है, टोटल पॉपुलेशन का 16% हिस्सा कहाँ रहता है, एक्स में रहता है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर इन सारे लोगों को मिला दें, मतलब एक्स वाई जेड और इससे लेके हम सारे वी तक मिला लें, तो इन सब की टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, इन सब की टोटल पॉपुलेशन का 16% हिस्सा वो आपका एक्स है, यानी क्या कर, ये टोटल पॉपुलेशन है, इनकी टोटल पॉपुलेशन का 16% हिस्सा कहाँ रहता है, एक्स में रहता है। एक्स के टोटल लोग कितने हैं सर, वो एक्स के टोटल लोग कितने हैं, मतलब इसका मतलब कि टोटल पॉपुलेशन के सारे दुनिया के भर के सारे लोगों के पॉपुलेशन के 60% लोग कहाँ रहते हैं, एक्स में रहते हैं। और एक्स की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 12160 इंटू 100 बाय 38। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से टोटल पॉपुलेशन दुनिया में जितने लोग हैं उन सबकी टोटल पॉपुलेशन यहाँ से निकल के आ जाएगी, चलिए निकल के आ जाएगी, कितना निकल के आएगी, तो वो 12160 इंटू 100 बाय 38 इंटू 100 बाय 16। मैं सारी कैलकुलेशन बाद में लास्ट में के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में ताकि मैं सीधे से कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँ निकाल लूँ। अब ये भी क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी टोटल पॉपुलेशन, ये क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी आपकी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ा निकालना है, मुझे निकालना है कि बताओ एस की पॉपुलेशन कितनी है, एस की पॉपुलेशन कितनी है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, एस की पॉपुलेशन कितनी है, वो है 11%, किसकी, टोटल पॉपुलेशन की। टोटल पॉपुलेशन कितनी है सर, टोटल पॉपुलेशन है ये, तो उसकी 11% क्या होगी सर, अगर मैं इससे 11 को मल्टीप्लाई कर दूं, 11% को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, क्यों क्या मेरा आपका निकल के आ जाएगा, मेरा निकल के आ जाएगा एस की कितने पॉपुलेशन होगी। याद रखना इस तरह के क्वेश्चन गेट में कई बार आए हैं और उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन बच्चों को देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत भी नहीं और अच्छी खासी। अगर आंसर डेसिमल में निकल के आए, वैसे आंसर डेसिमल में निकल के कभी नहीं आता है, आंसर डेसिमल में निकल के कभी आता नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल में निकल के आए तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हो। जब इसका आंसर आप निकालते हो तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर निकल के आता है, इसका आंसर निकल के आता है 22,000। मतलब एस की टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 22,000 पॉपुलेशन है एक्स की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए कृपया करके इन क्वेश्चनों पे अच्छा खासा ध्यान दीजिएगा। आपने क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी गलती करी तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हो। अब एक दूसरा तरीका भी है करने का, दूसरा तरीका भी क्या करने का सर, ये भी क्या है, ये भी परसेंटेज है, बिल्कुल परसेंटेज है, और ये भी क्या है, ये भी परसेंटेज है। तो एक काम करो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को ना तुम पूरे एक काम करो, एक काम ये कर सकते हो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को आप, एक सेकंड दूसरा पेन ले लेता हूँ, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को आप एक काम करो पी मान लो, कि पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, पी रहती है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कितना जल्दी होगा, यहां से करो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल के आएगा, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, पी है, बिल्कुल सही बात सर। अब सुनो, मेरे को क्या दे रखा है कि एक्स के अंदर कितने बीपीएल लोग हैं, 12160। तो पहले तो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन कितनी है पी, उसमें एक्स के कितने लोगे सर, 16%, यानी 16 बाय 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, करता हूँ पी से, तो ये क्या निकल के आ गए, ये निकल के आ गए एक्स के लोग, बिल्कुल निकल के आ गए। अब इस एक्स के लोगों में कितने लोग बीपीएल के अंदर है, 38/100, तो इसको मैं 38/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 38/100 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये वो लोग निकल के आ जाएंगे जो बीपीएल के अंदर है, यानी 12160, ये वो लोग निकल के आ जाएंगे। ये है कि यहाँ से पहले आप पी निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप पी निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से पी आ जाएगा, थोड़ा सा आसान रहेगा, जल्दी होगा यहाँ से क्वेश्चन, आएगा आंसर वही, पर जो इतनी हमने महाभारत और रामायण करी है उससे थोड़ा सा आसान लगेगा आपको ये क्वेश्चन करना, ठीक है। तो यहाँ से पी आते ही उसको फिर आप क्या करोगे, उसको आप 16, उसको आप इससे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11/100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात होनी नहीं चाहिए।
चलिए अब क्या करते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो दूसरा पार्ट है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में गेट में आए हुए हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो क्या है ही, आपको समझ ही गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बीपीएल, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बीपीएल इन टी टू बीपीएल इन जेड। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, होता है कि मुझे ये बताओ कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बीपीएल में है लेकिन वो इसके हैं टी के डिवाइडेड बाय बीपीएल इन जेड, ये कितना हो। तो देखना ये क्वेश्चन बहुत इजी निकलेगा कैसे, तो सुनो, मान लो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है, पी है, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है, पी है, और पी का कितना प्रतिशत लोग टी में रहते हैं, सर टोटल पॉपुलेशन पी के, टोटल पॉपुलेशन पी के उसके कितने प्रतिशत लोग टी में रहते हैं, सर 21%। तो तुम कोई परसेंटेज मल्टीप्लाई मत करो, सिंपल 21 लिखो, क्योंकि वो 100 आएगा नीचे कट जाएगा अपने आप। अब ये तो आ गए, ये टोटल लोग आ गए जो टी के अंदर रहते हैं, पी इंटू 21 कौन से लोग हैं जो टी के अंदर रहते हैं। अब टी के अंदर कितने लोग हैं जो बीपीएल में है, सर वो उसकी पॉपुलेशन के 46% है, यानी इस पे क्या मुझे आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 46 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ लोग जो कि टी में रहते हैं और आपके बीपीएल के अंडर है, ये आ गया डिवाइड बाय जेड। जेड में आपके कितने टोटल, दुनिया में टोटल पॉपुलेशन क्या है, पी है, उसके कितने पॉपुलेशन आपके जेड में रहते हैं, तो जेड का है आपका, जेड ही रहा, उसमें 11% लोग आपके जेड में रहते हैं। तो ये पॉपुलेशन निकल के आ गई कि जेड की कितनी पॉपुलेशन है इनटू जेड की पॉपुलेशन के कितने लोग आपके बीपीएल के अंडर है, तो 42% लोग। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 42 मल्टीप्लाई करो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इसके बाद बस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो करना है करो, इससे आपका आंसर बड़ी जल्दी निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर निकल के आएगा आपका 20, आपको खैर आंसर से निकालने से मतलब है, तो जब इसके आंसर निकालोगे तो ठीक है, इसका आंसर निकालोगे तो आपको रेशो निकालना है ना, सॉरी 23/11 रेशो निकल के आता है। आप यहाँ से 7, 3, 21 और 7, 6, 42 और यहाँ से आपका 2, 3, 6 और 2, 20 2, 2, 4, 2, 6 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो 23/11 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, जनरली एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं जो आपसे बनने चाहिए और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो आपसे जनरली कहाँ आ रहे हैं, डीआई में या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इस तरह के सवाल जो है आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जा रहे हैं। आई होप कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।